प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के एमसीक्यू करवाऊंगी। इस पाठ में लेखक ने भारतीय सिनेमा के विकास के इतिहास पर प्रकाश डाला है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर अवश्य करना। चलो शुरू करते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा नामक पाठ के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रदीप तिवारी, मुंशी प्रेमचंद, कमलेश्वर। इसका सही उत्तर आएगा प्रदीप तिवारी। जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं। नेक्स्ट, भारतीय सिनेमा के आरंभ में कैसी फिल्म बनती थी? मूक, वाचाल, सवाक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा मूक। मूक फिल्में बनती थी भारतीय सिनेमा के आरंभ में, मूक फिल्में बनती थी। नेक्स्ट, कब भारतीय सिनेमा में बोलने वाली फिल्में बनाई जाने लगी? मार्च 1920, मार्च 1925, मार्च 1931, मार्च 1932। इसका सही उत्तर आएगा मार्च 1931। भारतीय सिनेमा में बोलने वाली फिल्में मार्च 1931 में बनाई जाने लगी। नेक्स्ट, भारतीय सिनेमा की प्रथम सेवाक फिल्म का क्या नाम है? वीरजारा, आलम आरा, नूर जहीर, गदर। इसका सही उत्तर आएगा आलम आरा। भारतीय सिनेमा की प्रथम सेवाक फिल्म मतलब जिसमें आवाज आने लगी, आलम आरा थी। आलम आरा फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे? सॉरी, श्री अर्देशी राम ईरानी, बी आर चोपड़ा, सुरेंद्र कौशिक, जगमोहन। इसका सही उत्तर आएगा श्री अर्देशी राम ईरानी। आलम आरा फिल्म के निर्माता निर्देशक श्री अर्देशी राम ईरानी थे। नेक्स्ट, किस फिल्म के अभिनेता विठल व अभिनेत्री जुबैदा थी? वीरजारा, आलम आरा, नूर जहीर, गदर। इसका सही उत्तर आएगा आलम आरा। आलम आरा फिल्म के अभिनेता विठल और अभिनेत्री जुबैदा थी। इस प्रश्न में बेटा ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि आलम आरा फिल्म के अभिनेता कौन थे? विठल थे। और आलम आरा फिल्म की अभिनेत्री कौन थी? जुबैदा थी। नेक्स्ट, श्री अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की कौन सी एक बोलने वाली फिल्म देखी? रोबोट, पिकासो, शोबोट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा शोबोट। श्री अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड मतलब अमेरिका की, और अपने मुंबई में बनाई जाती है वो बॉलीवुड फिल्म कहलाती है। तो श्री अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की शोबोट बोलने वाली फिल्म देखी थी। नेक्स्ट, आलम आरा कैसी फिल्म थी? सुख दुख वाली, लड़ाई झगड़े वाली, मौज मस्ती वाली, आवारा गर्दी वाली। इसका सही उत्तर है मौज मस्ती वाली। आलम आरा फिल्म मौज मस्ती वाली थी। नेक्स्ट, विठल को उर्दू बोलने का अभ्यास न होने के कारण किसको नायक की भूमिका के लिए चुना गया? गौरव, ईरानी, महबूब, रामानंद। इसका सही उत्तर आएगा महबूब। विठल को उर्दू बोलने का अभ्यास न होने के कारण महबूब को नायक की भूमिका के लिए चुना गया। नेक्स्ट, विठल ने किस प्रकार पुनः फिल्म में नायक का पद प्राप्त किया? सुप्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मुकदमा जीतकर, लड़ाई करके, उर्दू बोलने का अभ्यास करके, अंग्रेजी बोलकर। इसका सही उत्तर आएगा सुप्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुकदमा जीतकर विठल ने पुनः फिल्म में नायक का पद प्राप्त किया। नेक्स्ट, 14 मार्च 1931 को यह फिल्म मुंबई के किस सिनेमा में पहली बार दिखाई गई? राधिका सिनेमा, मोतीलाल सिनेमा, मैजेस्टिक सिनेमा, कार्निवल सिनेमा। इसका सही उत्तर आएगा मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में। मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में सर्वप्रथम यह फिल्म दिखाई गई। आलम आरा फिल्म कितने सप्ताह तक हाउसफुल चली? 4, 5, 7, 8। इसका सही उत्तर आएगा 8। आलम आरा फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। अगर यह महीना पूछ लिया जाए तो 2 महीने तक हाउसफुल चली। नेक्स्ट, निर्माता निर्देशक श्री ईरानी ने सहवाग फिल्म बनाने का निर्णय किस फिल्म को देख कर लिया? राकी, रोबोट, पिकासो, शोबोट। इसका सही उत्तर आएगा शोबोट। निर्माता निर्देशक श्री ईरानी ने सवाक फिल्म बनाने का निर्णय शोबोट फिल्म को देख कर लिया। नेक्स्ट, आलम आरा फिल्म को बनाने में कितने महीने लगे थे? 4, 8, 10, 12। इसका सही उत्तर आएगा 4। आलम आरा फिल्म को बनाने में 4 महीने लगे थे। नेक्स्ट,
आलम आरा फिल्म में किन कलाकारों ने अभिनय किया था? सौरभ मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। आलम आरा फिल्म में सौरभ मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब सभी ने अभिनय किया था, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, आलम आरा के निर्माता अर्देशिर एम ईरानी को कब सम्मानित किया गया था? सन 1956 में, आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर, आलम आरा के 50 वर्ष पूरे होने पर, आलम आरा के 35 वर्ष पूरे होने पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा सन 1956 में, आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर। अगर सन पूछा जाए तो 1956 में, और वर्ष कितने वर्ष पश्चात सम्मानित किया गया तो 25 वर्ष, वर्ष पूछी जाए तो 25 वर्ष, और सन पूछा जाए तो 1956 में। नेक्स्ट, भारतीय सहवाग फिल्मों का पिता किसे कहा गया? श्री अर्देशिर एम ईरानी, बी आर चोपड़ा, सुरेंद्र कौशिक, जगमोहन। इसका सही उत्तर आएगा श्री अर्देशिर एम ईरानी। भारतीय सहवाग फिल्मों का पिता श्री अर्देशिर एम ईरानी को कहा गया। नेक्स्ट, मूक फिल्मों में कैसे नायकों का चयन किया जाता था? पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। मूक फिल्मों में पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले नायकों का चयन किया जाता था, इसलिए इसका उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, जब फिल्मों ने बोलना सीख लिया तो कैसे नायक उभर कर सामने आए? स्टंट करने वाले, योग्यता के आधार पर, पहलवान जैसे शरीर वाले, उछल कूद करने वाले। इसका सही उत्तर आएगा योग्यता के आधार पर। जब बोलने वाली फिल्मों का आरंभ हुआ तो योग्यता के आधार पर नायकों का चयन किया जाने लगा। नेक्स्ट, सहवाग फिल्मों के आरंभ होने पर किस भाषा को बढ़ावा मिला? हिंदी को, उर्दू को, उपर्युक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त दोनों को, हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी को, अगर हिंदुस्तानी आ जाए तो हिंदुस्तानी को बढ़ावा मिला। यहाँ पर पंजाबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं को बढ़ावा नहीं मिला, हिंदी और उर्दू भाषा को बढ़ावा मिला, इसलिए इसका उत्तर आएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट, किसे भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है? फाल्के को, रामानंद को, बी आर चोपड़ा को, श्री अर्देशिर एम ईरानी को। इसका सही उत्तर आएगा फाल्के को। यहाँ बच्चों ध्यान से देखना, इसमें पूछा गया किसे भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है? फाल्के को। और अवाक फिल्मों का पिता किसे माना जाता है? वो श्री अर्देशिर एम ईरानी को माना जाता है, इसलिए फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, अर्देशिर एम ईरानी की कंपनी ने लगभग कितनी सहवाग फिल्मों का निर्माण किया? 60, 70, 80, 100। इसका सही उत्तर आएगा 100। अर्देशिर एम ईरानी की कंपनी ने लगभग सहवाग फिल्मों का निर्माण किया, कितनी का? 100 सहवाग फिल्मों का निर्माण किया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जैसा किरदार किस सहवाग फिल्म में था? खुदा की शान, रोबोट, पिकासो, शोबोट। इसका सही उत्तर आएगा खुदा की शान। महात्मा गांधी जैसा किरदार खुदा की शान सहवाग फिल्म में था। नेक्स्ट, आलम आरा फिल्म के प्रथम पार्श्व गायक कौन थे? सुरेंद्र कौशिक, डब्ल्यू एम खान, बी आर चोपड़ा, श्री अर्देशिर एम ईरानी। इसका सही उत्तर आएगा डब्ल्यू एम खान। आलम आरा फिल्म के प्रथम पार्श्व गायक डब्ल्यू एम खान थे। नेक्स्ट, माधुरी नाम की फिल्म में किस नायिका की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी? मीना कुमारी, जया प्रदा, जुबैदा, सुलोचना। इसका सही उत्तर आएगा सुलोचना। माधुरी नाम की फिल्म में सुलोचना नायिका के हेयर की स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। नेक्स्ट, आलम आरा फिल्म की रील की लंबाई कितने फुट थी? 10,000 फुट, 5,000 फुट, 2,000 फुट, 7,000 फुट। इसका सही उत्तर आएगा लगभग 10,000 फुट। आलम आरा फिल्म की रील की लंबाई 10,000 फुट थी। नेक्स्ट, आलम आरा फिल्म का पहला गाना कौन सा था? इतनी शक्ति हमें देना दाता, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, आलम आरा फिल्म का पहला गाना था। नेक्स्ट, सहवाग फिल्म किसे कहते हैं?
जिस फिल्म में कलाकार हो, जिस फिल्म में संवाद बोले जाए, जिस फिल्म में नायक हो, जिस फिल्म में नायिका हो, इसका सही उत्तर आएगा जिस फिल्म में संवाद बोले जाए उसे शवाक फिल्म कहते हैं। दैट्स ऑल।